तीर्थराज प्रयाग में खुशनुमा मौसम के बीच शनिवार से ही मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो गया। वैसे संक्रांति का पुण्य काल रविवार को है। मकर संक्रांति पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से ही मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर तिल और गुड़ का दान आज से ही शुरू कर दिए हैं। मौसम अनुकूल होने पर आज भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम की तरफ उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति के अवसर पर मेला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर देर रात से ही वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कल रात तक जारी रहेगा। सुरक्षा के सारे उपाय, एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार करके की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न निकायों का इस माघ मेले में योगदान प्राप्त है, जिसमें कि नागरिक पुलिस के लोग हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, घुड़सवार पुलिस है, यातायात पुलिस है, महिला पुलिस है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, ATS के कमांडोज हैं, RF की टीम है, SDRF की टीम है, PSC के जवान हैं, NDRF है, और सारे CCTV कैमरों के लगभग 200 CCTV कैमरों के माध्यम से हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिव है। फीड लगातार जा रही है और आवश्यकतानुसार हम लोग ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और स्नान सुचारू रूप से सारे घाटों पर लगातार चल रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिए माघ मेला क्षेत्र में 14 घाट बनाए गए हैं, जिसमें 50 मोटर बोट और 100 नावों से घाटों की निगरानी हो रही है। वहीं माघ मेले में CCTV कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इस दौरान घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नावों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा से मेला शुरू हुआ और अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। आज मकर संक्रांति का ये द्वितीय पर्व है। ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है और स्नान घाटों पर सारे श्रद्धालु कल्पवासी सुरक्षित स्नान कर रहे हैं। इनको सारे स्नान घाटों तक सुगम आवागमन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनके आने और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि कहीं कोई स्टैम्पीडाद की घटना ना हो। साथ ही सुरक्षित स्नान प्रदान करने के लिए हम लोगों ने जल में डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हुए रिवर लाइन्स डाली हुई हैं। रिवर लाइन्स पर जाल की व्यवस्था की गई है और इस रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के, SDRF के और NDRF की टीम ये जल में मौजूद है। विजिबिलिटी कम है, कोहरा काफ़ी है, उसके बावजूद सारे स्नान घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है।